जय हिंद साथियों, मैं हूं शहनवाज और आप देख रहे हैं दी शहनवाज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज है 15 अप्रैल 2023, काफ़ी ऐतिहासिक दिन। आज से एक नए मेमू ट्रेन का संचालन शुरू होने जा रहा है, तो पूरी समय सारणी निकल कर आ चुकी है। आप सभी को विस्तार से इस नए मेमू ट्रेन के बारे में बताएंगे। शुरू करते हैं वीडियो को और आप सभी को देते हैं इस नए मेमू ट्रेन की पूरी जानकारी। बापू धाम मोतिहारी और पाटलिपुत्र के बीच चलेगी एक नई मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस। यात्रियों की सुविधा के मद्देनज़र बापू धाम मोतिहारी और पाटलिपुत्र के बीच एक जोड़ी नई मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन करने का निर्णय लिया गया है। दिनांक 15/4/2023 को उद्घाटन विशेष रूप में गाड़ी संख्या 0556 बापू धाम मोतिहारी पाटलिपुत्र स्पेशल बापू धाम मोतिहारी से 15 बजे खुलकर 15:08 बजे जीवधारा, 15:20 बजे पिपरा, 15:32 बजे चकिया, 15:42 बजे मोहसी, 16:45 बजे मुजफ्फरपुर, 17:15 बजे रामदयालु नगर, 18:50 बजे हाजीपुर, 19:05 बजे सोनपुर रुकते हुए 20 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी। दोस्तों, बापू धाम मोतिहारी और पाटलिपुत्र के बीच में आज उद्घाटन स्पेशल ट्रेन शुरू होने जा रही है और कल से इसका क्या नियमित नंबर रहेगा, क्या समय सारणी रहेगी, अब आप सभी को इसके बारे में भी बता देते हैं। तो गाड़ी संख्या 15/556/15/555 बापू धाम मोतिहारी पाटलिपुत्र बापू धाम मोतिहारी मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस का नियमित परिचालन दिनांक 16/4/2023 से किया जाएगा। गाड़ी संख्या 15/556 बापू धाम मोतिहारी पाटलिपुत्र मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस दिनांक 16/4/2023 से प्रतिदिन बापू धाम मोतिहारी से सुबह 6 बजे खुलकर 6:08 बजे जीवधारा, 6:20 बजे पिपरा, 6:33 बजे चकिया, 6:45 बजे महसी, 7:30 बजे मुजफ्फरपुर, 7:48 बजे रामदयालु नगर, 8:45 बजे हाजीपुर, 9 बजे सोनपुर रुकते हुए 9:30 बजे पाटलिपुत्र पहुंचेगी। वापसी में गाड़ी संख्या 15/555 पाटलिपुत्र बापू धाम मोतिहारी मेमू इंटरसिटी एक्सप्रेस दिनांक 16/4/2023 से प्रतिदिन पाटलिपुत्र से 19 बजे खुलकर 19:33 बजे सोनपुर, 19:50 बजे हाजीपुर, 20:40 बजे रामदयालु नगर, 20:50 बजे मुजफ्फरपुर, 21:44 बजे महसी, 21:57 बजे चकिया, 22:07 बजे पिपरा, 22:17 बजे जीवधारा रुकते हुए 22:30 बजे बापू धाम मोतिहारी पहुंचेगी। तो दोस्तों, ये ट्रेन हमारे ईसीआर जोन में यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में शुरू की जा रही है। आज इस ट्रेन का उद्घाटन बापू धाम मोतिहारी से दिन में 3 बजे किया जाएगा और रात 8 बजे ये ट्रेन पाटलिपुत्र पहुंच जाएगी। और कल दिनांक 16 अप्रैल 2023 से इस ट्रेन को नियमित नंबर से चलाया जाएगा, यानी कि 15/555/15/556 नंबर से ये ट्रेन दोनों ही तरफ से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों में शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल दी शहनवाज पर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी शहनवाज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।